अभी की शक्ति बदलाव को अपनाना। एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करो जहां हर पल बदलाव का मौका हो। झूठ में सच्चाई देखना और आजाद महसूस करना, यही अभी में जीने की ताकत है। हम जेद्दू कृष्णमूर्ति के ज्ञान को समझकर अपनी जिंदगी को बदलना सीख सकते हैं। उनकी सीख स्टोइक सिद्धांतों के साथ मिलकर हमें ज्यादा आजाद जिंदगी की राह दिखाते हैं। कृष्णमूर्ति का आह्वान, सच्चाई से पर्दा उठाना। कृष्णमूर्ति ने कहा था, सच्चाई को जानने के लिए हमें अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा। बिना किसी समीक्षा के देखने की क्षमता ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं को छोड़कर चीजों को वैसे ही देखें जैसे वे हैं। यह कथन हमें कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम स्पष्टता के साथ देखते हैं तो हमारे निर्णय और कार्य अधिक सटीक और प्रभावी होते हैं। यह हमें दुनिया को नए नजरिए से देखने के लिए कहता है, जिससे हमारी सोच और दृष्टिकोण में एक सकारात्मक बदलाव आता है। हम नई संभावनाओं और अवसरों को पहचानने लगते हैं। हमारे पूर्वाग्रहों और निर्णयों से मुक्त होकर हम एक स्वतंत्र और खुला दृष्टिकोण अपना सकते हैं। यह हमें सच्चाई के करीब ले जाता है और हमें अधिक समझदार बनाता है। अपने रोज के जीवन में हम कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी धारणाओं और विश्वासों को चुनौती देती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। हम ऐसी कई स्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी राय और विश्वासों को उकसाती हैं। यह हमें अपने विचारों और मान्यताओं की पुनः समीक्षा करने का अवसर देती है। इन स्थितियों को बिना किसी निर्णय के देखकर हम एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अपना सकते हैं। यह हमें अधिक संतुलित और समझदार बनाता है। हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह समझ हमें अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनाती है, जिससे हम अपने जीवन में अधिक शांति और संतोष पा सकते हैं। परिवर्तन, छोड़ने का सफर। परिवर्तन का मतलब है अपने अतीत के अनुभवों और सीमित विश्वासों को छोड़ना। जब हम झूठ को पकड़े रहते हैं तो हम खुद को सच्चाई देखने से रोकते हैं। यह सच्चाई सही उत्तर खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को गहराई से समझने के बारे में है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब हम ईमानदारी से खुद का सामना करने के लिए काफी बहादुर होते हैं। भ्रम से मुक्ति, सामाजिक मानदंडों का पर्दाफाश। कृष्णमूर्ति ने हमें हर चीज पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। वह चाहते थे कि हम उन रीतियों और मानदंडों की जांच करें जिन्हें हम अक्सर बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं। इनमें से कई मानदंड डर, असुरक्षा या स्वीकृति की इच्छा पर आधारित होते हैं। इन मानदंडों पर सवाल उठाकर हम उन भ्रमों से मुक्त हो सकते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। यह सवाल हमें ज्यादा खरे तरीके से जीने की इजाजत देता है। भाग 5, स्टोइक कनेक्शन, अनुशासन और स्पष्टता। स्टोइसिज्म एक प्राचीन दर्शन कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं के साथ समानता रखता है। स्टोइक्स आत्म अनुशासन और विचारों की स्पष्टता पर जोर देते हैं। वे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में विश्वास करते हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हमारे विचार और कार्रवाई। यह ध्यान हमें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। स्टोइक सिद्धांतों को कृष्णमूर्ति की अंतर्दृष्टि के साथ जोड़कर हम व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक मजबूत ढांचा बना सकते हैं। भाग 6, सच्चाई बनाम याददाश्त, वर्तमान क्षण में जीना। कृष्णमूर्ति का मानना था कि हमारी यादें अक्सर सच्चाई के हमारे धारणा को धुंधला कर देती हैं। हम वर्तमान को अपने पिछले अनुभवों के नजरिए से देखते हैं। स्टोइसिज्म भी वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर जोर देता है। अतीत को छोड़कर और भविष्य के बारे में चिंता न करके हम अभी की आजादी का अनुभव कर सकते हैं। यह उपस्थिति हमें जिंदगी को ज्यादा जागरूकता और इरादे से प्रतिक्रिया देने की अनुमति देती है। भाग 7, एक आधुनिक उदाहरण, छोड़ने से शांति पाना। सारा पर गौर करें, एक युवा महिला जो अपने करियर को लेकर चिंता से जूझ रही है। वह अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहती है और यह चिंता उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। वह लगातार खुद की तुलना दूसरों से करती है और भविष्य की चिंता करती है। सारा को लगता है कि वह अपने साथियों से पीछे रह गई है और यह विचार उसे और भी अधिक तनावग्रस्त कर देता है। कृष्णमूर्ति और स्टोइक दर्शन से प्रेरित होकर
सारा माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू करती है। वह इन दार्शनिक विचारों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करती है ताकि वह अपने मानसिक तनाव को कम कर सके। वह अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करती है, अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखती है और अपनी चिंता की जड़ की पहचान करती है। सारा को धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि उसकी चिंताओं का मुख्य कारण बाहरी मान्यता और सामाजिक अपेक्षाएं हैं। उसे एहसास होता है कि उसका डर सामाजिक अपेक्षाओं और बाहरी मान्यता की जरूरत से उत्पन्न होता है। यह समझ उसे एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती है। इन बाहरी दबावों को छोड़कर सारा को शांति मिलने लगती है और वह अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करने लगती है। वह अब अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करती है और अपने अंदर की शांति को खोजने की कोशिश करती है। सारा ने अपने विचारों और भावनाओं को लिखना भी शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया उसे अपने अंदर की गहराई को समझने में मदद करती है और उसे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने का मौका देती है। वह अपने शौक में भी समय बिताने लगी है, जैसे कि पेंटिंग, गार्डनिंग और संगीत सुनना। ये गतिविधियां उसे खुशी और संतोष का अनुभव कराती हैं और उसे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। सारा ने अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना भी शुरू कर दिया है। वह अब अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताती है, जिससे उसे भावनात्मक समर्थन और खुशी मिलती है। उसने आभार व्यक्त करने की आदत भी डाल ली है। हर दिन वह उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करती है जो उसके जीवन में है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह आदत उसे सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करती है। धीरे धीरे सारा को अपने अंदर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। वह अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखती है और उसे अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है। वह प्रकृति के साथ भी अधिक समय बिताने लगी है। जंगल में टहलना, पहाड़ों पर चढ़ना और समुद्र के किनारे बैठना उसे एक नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव कराता है। सारा ने ध्यान को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया है। यह उसे अपने अंदर की शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। अंततः सारा को यह समझ में आ जाता है कि शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका है छोड़ना। वह अब अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करती है और हर पल का आनंद लेती है। भाग 8, बदलाव को अपनाना एक निरंतर यात्रा। परिवर्तन कोई मंजिल नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा है। यह लगातार सवाल करने, देखने और छोड़ने के बारे में है। यह बदलाव को अपनाने और यह समझने के बारे में है कि जिंदगी एक प्रवाह है। स्टोइसिज्म और कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं के सिद्धांतों को अपनाकर हम इस यात्रा को ज्यादा कृपा और जागरूकता के साथ कर सकते हैं। भाग 9, आपकी बारी। अपने जीवन पर चिंतन करना। अपने जीवन पर चिंतन करने के लिए एक क्षण निकालें। ऐसे कौन से झूठ हैं जिन्हें आप पकड़े हुए हैं? ऐसे कौन से सामाजिक मानदंड हैं जो अब आपके काम नहीं आते? इनकी पहचान करके आप मुक्ति की ओर पहला कदम उठाते हैं। याद रखें, परिवर्तन की शुरुआत एक ही सचेत चुनाव से होती है। भाग 10, स्वतंत्रता का मार्ग। अपने अंदर की सच्चाई को अपनाना। स्वतंत्रता का मार्ग अपने अंदर की सच्चाई को अपनाने में है। यह सच्चाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अपने बाहर मिलेगी। यह आत्मनिरीक्षण और जो चीजें अब आपके काम नहीं आती उन्हें छोड़ने से खुद खोजी जाती है। जैसे ही आप इस यात्रा को शुरू करते हैं, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। कृष्णमूर्ति और स्टोइक्स का ज्ञान आपका मार्गदर्शन कर सकता है। भाग 11, निष्कर्ष। उद्देश्य और प्रामाणिकता से भरा जीवन जीना। यह एक ऐसा जीवन है जो न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणादायक हो सकता है। जब हम अपने जीवन में उद्देश्य और प्रामाणिकता को अपनाते हैं तो हम अपने सच्चे आत्म को प्रकट करते हैं और एक गहरे, अधिक संतोषजनक जीवन का अनुभव करते हैं। उद्देश्य और प्रामाणिकता से भरा जीवन जीने के लिए साहस की जरूरत होती है। यह साहस हमें अपने डरों का सामना करने, अपने विश्वासों को चुनौती देने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। यह एक यात्रा है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों को खोजने और अपने सच्चे आत्म को प्रकट करने की अनुमति देती है। इसके लिए हमें अपने डरों का सामना करना होगा, चाहे वह डर हमारे अतीत के अनुभवों से हो या हमारे भविष्य की अनिश्चितताओं से। हमें उन कठिन बातचीतों का सामना करना होगा जो हमें अपने सच्चे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देती है।
यह साहसिक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने में मदद करती है। अपने विश्वासों को चुनौती देनी होगी, क्योंकि यह हमें अपने दृष्टिकोण को विस्तारित करने और नए विचारों को अपनाने की अनुमति देता है। आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने मूल्यों के साथ संरेखित हो सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने जीवन के हर पहलू में प्रामाणिकता लाने में मदद करती है और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। नए अनुभवों का अन्वेषण करना और अज्ञात क्षेत्रों में कदम रखना हमें अपने क्षितिज को विस्तारित करने और अपने जीवन को समृद्ध करने में मदद करता है। यह हमें उन संभावनाओं को खोजने की अनुमति देता है जो हमने पहले कभी नहीं सोची थी, और हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। सच्चाई की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाकर हम अपने जीवन में गहरे परिवर्तन ला सकते हैं। यह हमें भ्रम की जंजीरों से मुक्त करता है और हमें एक ऐसा जीवन जीने की अनुमति देता है जो वास्तव में हमारा अपना हो। प्रामाणिकता हमें अपने सच्चे आत्म को प्रकट करने और अपने जीवन को एक गहरे, अधिक संतोषजनक स्तर पर जीने की अनुमति देती है। हम भ्रम की जंजीरों से मुक्त हो सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो वास्तव में हमारा अपना हो। इरादे, स्पष्टता और वर्तमान क्षण को अपनाने से मिलने वाली आजादी के साथ जीने का चुनाव करें। यह हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने और अपने सच्चे आत्म को प्रकट करने की अनुमति देता है। स्पष्टता और वर्तमान क्षण को अपनाने से मिलने वाली आजादी के साथ जीने का चुनाव करें। यह हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने और अपने सच्चे आत्म को प्रकट करने की अनुमति देता है। जब हम अपने जीवन में उद्देश्य और प्रामाणिकता को अपनाते हैं तो हम अपने सच्चे आत्म को प्रकट करते हैं और एक गहरे, अधिक संतोषजनक जीवन का अनुभव करते हैं।